नमस्कार दोस्तों, राइट टू शिक्षा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल घर में कार होना बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन एक वक्त था जब घर में कार होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उस समय एक कार थी जिसे किंग ऑफ इंडियन रोड्स के नाम से जाना जाता था और वह पावर और लग्जरी का सिंबल हुआ करती थी। इसका भौकाल इतना ज़्यादा था कि अगर गलती से यह गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ भी देती थी ना, तो पुलिस वाले इस कार के ड्राइवर का चालान काटने से पहले 100 बार सोचा करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द आइकॉनिक द लेजेंडरी एम्बेसडर की। एम्बेसडर को बिरला ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड ने 1958 में इंडिया में लॉन्च किया था, जो कि मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर बेस्ड थी। यह कार 1958 से 2014 तक प्रोडक्शन में रही, जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस 50 साल से भी लंबी जर्नी में इसके 7 जनरेशन को लॉन्च किया गया, जिसमें सबसे पहली थी हिंदुस्तान एम्बेसडर मार्क 1, जो 1958 से 1962 तक थी। फिर थी मार्क 2, जो 62 से 75, देन मार्क 3, 75 से 79, देन मार्क 4, 79 टू 90। उसके बाद मार्क सीरीज को बंद कर दिया गया था और अगली गाड़ी को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था एम्बेसडर नोवा, जो 90 से 99 तक रही। उसके बाद हिंदुस्तान एम्बेसडर 1800 ISG, जिसे क्लासिक के नाम से जाना जाता है। यह 98 से 2010 तक प्रोडक्शन में रही। और उसके बाद थी लास्ट जनरेशन, जिसका नाम था एम्बेसडर ग्रैंड, जो 2013 से 2014 तक रही। हिंदुस्तान मोटर्स ने हिंदुस्तान एवियो नाम से भी एक गाड़ी 2004 में लॉन्च की थी, बट इसके साथ एम्बेसडर की ब्रांड का बैजिंग नहीं था। पहले ये देखने में काफ़ी हद तक एम्बेसडर जैसी लगती थी। और मेट्रो सिटीज़ में BS4 कॉम्प्लाइंस के लिए एम्बेसडर एंकोर को भी लॉन्च किया गया था। एम्बेसडर के इवन पिकअप ट्रक और वैगन वर्जन्स भी आते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात, इसके शुरुआती मॉडल्स में इसके वाइपर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती थी, आजकल की गाड़ियों की तरह नहीं जिसमें दोनों वाइपर्स सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। यह कार शुरुआत में सिर्फ पेट्रोल वर्जन में अवेलेबल थी, लेकिन 1980 में एम्बेसडर मार्क के साथ इन्होंने इसका डीजल वर्जन भी लॉन्च किया, जो उस समय इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यह उस समय की सबसे एक्सपेंसिव कार हुआ करती थी और गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इनिशियली डीजल एम्बेसडर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और टैक्सी सेगमेंट के लिए ही अवेलेबल थी। प्राइवेट ओनरशिप के लिए इसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया था। यह कार अपनी बेमिसाल मजबूती, स्पेशियस केबिन और सोफा टाइप कंफर्टेबल सीट्स के लिए जानी जाती है। शायद इसीलिए यह देश के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए सबसे पसंदीदा गाड़ी रही। इसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सबने सफ़र किया हुआ है। और इसकी पूरी प्रोडक्शन का 60% सेल्स सिर्फ गवर्नमेंट को हुई थी। इस कार को कॉमन लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया था, खासकर टैक्सी के सेगमेंट में, जिसकी वजह थी इसकी रगडनेस और रिलायबिलिटी। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाया करती थी तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता था, आपको इसके रेडिएटर में थोड़ा सा पानी और 2-4 नट बोल्ट इसके ढीले या टाइट करने होते थे, उसके बाद ये गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो जाया करती थी। और एक चीज़ और, आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2013 में ग्लोबल ऑटोमोटिव प्रोग्राम टॉप गियर ने एम्बेसडर को वर्ल्ड की बेस्ट टैक्सी की किताब से नवाजा था। जी हाँ, और जहाँ पर इसने ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और रशिया की अच्छी अच्छी कार्स को पछाड़ा था। 70s और 80s के दशक में एम्बेसडर का एक छत्र रास्ता मार्केट पर, और इसका मार्केट शेयर 60% से भी ज़्यादा हुआ करता था। बट कहते हैं ना, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। 1991 के बाद भारत में विदेशी कंपनियों की गाड़ियाँ बनना शुरू हो चुकी थी, जो पैसे में इससे सस्ती थी, साइज में इससे छोटी थी और परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी में भी इससे थोड़ी ज़्यादा बेटर थी। तो धीरे धीरे इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी कम होती गई और फाइनली 2014 में गाड़ी के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। और 2017 में इस ब्रांड एम्बेसडर को 80 करोड़ रुपए में PSA ग्रुप को बेच दिया गया। आज भले ही रोड्स पर इक्का दुक्का एम्बेसडर देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप कलकत्ता में हैं तो आप जिधर भी नज़र उठाएंगे आप एम्बेसडर को ही पाएंगे। और आज मार्केट में भले ही कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी में एम्बेसडर से कहीं बेहतर हैं, लेकिन जो भोकाल और रुतबा एम्बेसडर का हुआ करता था, वह इनमें से किसी भी गाड़ी का होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किंग ऑफ रोड सिर्फ एक ही गाड़ी है और वो है हिंदुस्तान एम्बेसडर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल राइट टू शिक्षा। जय हिंद, जय भारत।